नमस्कार साथियों, दया DGS में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं लखीमपुर खीरी के, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हार्डबोर्ड कितने प्रकार का होता है और कौन से मसाले में किस तरह का हार्डबोर्ड यूज़ करना चाहिए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं बिहार से, सेम क्वेश्चन उनका ही था, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो गत्ता है जिसको हार्ड बोर्ड बोलते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल वाला है, सबसे सस्ता गत्ता है। इस पे हम बहुत ही हल्का आइटम लगाते हैं, जैसे ये सफ़ेद इलायची है, सफ़ेद इलायची हल्का आइटम है तो हम इस वाले बोर्ड पे यूज़ करते हैं। ये बोर्ड सस्ता होता है और ये ज़्यादा पीसेस में निकल जाता है। इसके बाद जो बोर्ड आता है वो ये वाला बोर्ड है, जिसका साइज़ आपका 5.5x13 साइज होता है। इसमें इस तरह का प्रोडक्ट यूज होते हैं। देखिए देखिए, ये हमारे पिटन में सफ़ेद इलायची है। ये बोर्ड थोड़ा मीडियम है और आसानी से जैसे जाता है पीसेस ज़्यादा बनते हैं, और इसमें थोड़ा हल्का आइटम ही यूज़ करते हैं। ये आप 10 वाले और 2 वाले जीरा और सफ़ेद इलायची लौंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो बोर्ड आता है आपका, ये ज़्यादा टाइट होता है, हार्ड होता है। ये ज़्यादा भारी मटेरियल के लिए होता है, जैसे ये सोप है, ज़्यादा हार्ड होती है, इसको ज़्यादा वेट की चाहिए। ये मुड़ने में कम मुड़ेगा, ये ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें वेट भी ज़्यादा होता है, और ये किलो के हिसाब से पीसेस में कम चढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है मसाले का बोर्ड। ये हार्ड होता है और इसका साइज़ 5.5x14 होता है। ये देखिए थोड़ा हार्ड है, मोड़ने में भी आसानी से नहीं मुड़ रहा, क्योंकि इसका ज़्यादा हार्ड वाला बॉक्स हम इसलिए लेते हैं, ये वाला गत्ता। इसमें मसाले का वेट भी आपका काउंट होता है। जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं पहले मटेरियल की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद टोटल पैकेट का वेट चेक करते हैं। वो क्या करेंगे, आपके पैकेट उठा के सीधे कांटे पे रख देंगे और इसका वेट आपको चेक करेंगे। जिस मसाले में वेट ज़्यादा होगा वो मसाला उतनी ही आसानी से बिकेगा। इसके बाद जो बोर्ड आता है ये बहुत ही हार्ड है और आसानी से नहीं मुड़ सकता, वेट ज़्यादा है इसका मसाले का। इस पे 10 वाले मसाले 12 पीस में लगते हैं और 5 वाले मसाले 20 पीस में लगते हैं। ये देखिए 5 वाले मसाले की इसमें 2 लड़ियाँ आ जाएंगी आपकी, ये 20 का सेट लगेगा आपका, इस तरह से ये 20 का सेट लगेगा, और 10 वाले मसाले में ये 12 का सेट लगेगा। मोस्टली यही सारा यूज होता है मसाला बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ 12 का सेट जाता है मसाले में, तो हम इसलिए ये वाला हैंगर यूज़ करते हैं। और ये जो बड़ा वाला हैंगर है ये हमारा जो यूज होता है 20 का सेट बनाने में, अगर 5 में कोई 20 का सेट मांग रहा है तो उसके लिए है, और 10 में 12 के सेट के लिए ये वाला बोर्ड यूज होता है। तो आज हमने आपको 5 तरह के बोर्ड बताए हैं, जिसमें मसाले जिस जिस तरह के मसाले आप बनाएं उस तरह के बोर्ड यूज़ करें। मेरा सजेशन ये रहेगा आप मसाले में ज़्यादा ही टाइट वाला बोर्ड यूज़ करें, बाकी सिंगल आइटम में आप कम वेट वाले आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कितना लूज हो रहा है, और ये ज़्यादा टाइट वाला होगा ये आपको लूज़ नहीं होगा, आपका बिल्कुल ही इस कड़कड़ाहट नहीं होगी इसके अंदर, जिसमें आपके मसाले का वेट भी रहेगा, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी भी तरह की नॉलेज के लिए आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।